आज पूरे देश समेत धनबाद के गांधी सेवा सदन सिटी सेंटर स्थित आदमकद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का नथुराम गोडसे से गोली मार दी थी। इसके बाद उनका निधन हो गया था। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सोमवार को धनबाद में मुख्य कार्यक्रम गांधी सेवा सदन में हुआ। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ा श्रद्धांजलि दी गई। इससे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि के अवसर पर DDC शशि प्रकाश सिंह, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, समाज सेवी विजय झा, अन्य पदाधिकारियों ने सिटी सेंटर पर स्थापित राष्ट्रपिता की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद सभी पदाधिकारियों ने गांधी सेवा सदन में राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात धनबाद उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि राष्ट्रपिता के विचार आज भी हमें आगे बढ़ने और कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। हमें शांति, अहिंसा, सादगी, साधनों की प्रति पवित्रता और विनम्रता के उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। वे भारत के साथ साथ पूरे विश्व का स्वाभिमान थे, इंसान और इंसानियत के नए संस्करण थे। उन्होंने सत्य की ताकत से शस्त्र की ताकत को झुका दिया। समाज सेवी विजय झा ने मीडिया को बताया कि आज के दिन ही हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी को प्रण लेने की जरूरत है तथा गांधी जी के बताए रास्ते पर तथा उनके सोच और विचार पर चलने की आवश्यकता है। पूरे भारत समेत 88 देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जीवित रहते जी की प्रतिमा स्थापित है। आज हमारे बीच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जीवित रहते तो हिंसा बिल्कुल नहीं होता। आज रूस यूक्रेन युद्ध देखने को मिल रहा है वह देखने को नहीं मिलता। ऐसे कई ऐसे हिंसा गांधी जी के बताए मार्ग पर चलते तो निश्चित ही हिंसा पर जीत होती। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पुण्यतिथि है। पूरे देश और दुनिया में इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। आज भी हम गांधी को इसलिए याद करते हैं कि काश कोई और दूसरा गांधी आज धरती पर होता तो आज जो रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है शायद न हो रहा होता, क्योंकि इनके दो हथियार थे सत्य और अहिंसा। आज भी मानव को इस दोनों हथियार की नितांत आवश्यकता है। सत्य आधारित हमारा जीवन हो, सत्य आधारित हमारा समाज हो और अहिंसा का बोलबाला हो। लेकिन आज हम देखते हैं कि हिंसा धीरे धीरे हर व्यक्ति के अंदर इतनी हिंसा भर गई है, वाणी में, विचार में, कर्म में, व्यवहार में, तो लगता है कि हमने गांधी को अपनाया नहीं है। आज पुनः गांधी को नए सिरे से समझने की, इनको अपनाने की, इनको पढ़ने की और इनको आत्मसात करने की आवश्यकता है। तभी हम गांधी के पद चिन्हों पर चल सकते हैं और गांधी की कीमत को समझ सकते हैं। इसलिए आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम अपने श्रद्धा सुमन गांधी जी को अर्पित करते हैं और यह कामना करते हैं कि उनके बताए रास्ते पर, उनके बनाए रास्ते पर, उनके छोड़े गए पद चिन्हों पर चलने की हिम्मत और प्रेरणा मिलती रहे। गांधी जी की पुण्यतिथि है और आज हमारे भारत छोड़ो यात्रा का भी समापन है। आज श्रद्धांजलि अर्पित करने हम सभी यहाँ आए क्योंकि महात्मा गांधी का जो योगदान है और जो अहिंसा की बात उन्होंने शुरू की और उन्होंने ये समझाया कि क्या कि कितनी शक्ति है, अगर अग्रेशन में ताकत है तो शांत रहकर भी आप बहुत सारी चीज़ें पा सकते हैं। आज उन्हीं को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। इसके आज 30 जनवरी को हम लोग शहादत दिवस के तौर पे जानते हैं। इसी उपलक्ष्य में हम लोग जो हैं आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जो तस्वीर है, जो स्टैचू है, उस पर हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की और इनके द्वारा जो सत्य और अहिंसा का जो पाठ हम लोगों को पढ़ाया गया है उस पर अमल करने का जो हमने प्रार्थना किया है और आशा करता हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी जो है वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे। धन्यवाद।